खेती और किसान सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं और सरकार ने इनके फायदे के लिए कई योजनाएं भी बनाई हैं। लेकिन आम तौर पे किसानों और दूसरे खेती से जुड़े लोगों की शिकायत यही होती है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसे में निजी क्षेत्र और ख़ास तौर से जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है उसको शामिल कर इन योजनाओं को अंतिम किसान तक पहुँचाना एक फ़ायदेमंद रणनीति हो सकती है। बंगलुरु की चमकती मेट्रो लाइफ से बाहर निकलते ही कुछ किलोमीटर पर ये राजन्ना का पॉली हाउस है। पॉली हाउस यूं तो इजराइल से आई हुई बहुत सी कृषि तकनीकों में से एक है जिसका इस्तेमाल भारतीय किसानों के लिए कोई नई बात नहीं है। हरियाणा, पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक में कई प्रगतिशील किसान इस तकनीक का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते रहे हैं, जो मुख्य रूप से बहुत ज्यादा ठंड या फिर बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगहों पर तापमान को नियंत्रित रखने में कारगर है। लेकिन जब मंडी.com की टीम राजन्ना के पॉली हाउस पर पहुंची तो ये पूरा ढांचा कुछ हट कर नजर आया। इसका टेक्नोलॉजी है पूरा आपको इजरायली टेक्नोलॉजी है, इंडिया से मतलब टेक्नोलॉजी वहाँ से लिए, पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चर किए कि आपको इधर से टॉप में प्लास्टिक है जो बारिश को अंदर आने नहीं देते, और सेकेंड है आपको साइड में साइड कर्टन्स वेंटिलेशन भी चाहिए इसके लिए, उसके अंदर ऑप्टिनेट है जो कीड़े जैसे कि आपको एक्सटर्नल पेस्ट जो क्रॉप के अंदर नहीं आए और क्रॉप बर्बाद ना हो, और उसके नीचे एलुमिनेट जो ताकि हमको टेम्परेचर सॉल्यूशंस, इस अभी क्लाइमेटिक चेंज के वजह से इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है कि समर में वेजिटेबल का भाव बढ़ जाता है, तभी चाहिए हमको ऐसा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर सॉल्यूशन था कि एलुमिनेट डाले ताकि उसमें 4 से 6 डिग्री का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ओके, दूसरा है रेन वाटर। आजकल तो पानी का इतना स्ट्रगल हो रहा है कि 1500 फीट पर भी पानी नहीं मिल रहा है, तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि सारा गटर जाके एक जगह पर अगर बारिश हुआ तो वो फुल कंप्लीट जाके उधर स्टोर होता है ना, तो 3-3 मंथ तक वही पानी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स ए फुल प्रूफ पॉली हाउस टेक्नोलॉजी। फार्मर को एक एकड़ में कम से कम 10 लाख का तो पर एनुअल टर्न टेक होम मिलता है। हमने पड़ताल की तो समझ में आया कि ये पॉली हाउस दूसरी कई जगहों पर दिखे पॉली हाउस के मुकाबले काफी अलग है। दरअसल इस पॉली हाउस को कई तकनीकों को मिलाकर बनाया गया है जिनमें सूरज की किरणों को नियंत्रित करने से लेकर हवा का प्रवाह, प्रकाश का परावर्तन और यहाँ तक कि कीट पतंगों को दिखने लायक रोशनी के नियंत्रण के भी उपाय कर लिए गए हैं। नतीजा चौंकाने वाला है। करीब 6000 वर्ग मीटर यानी लगभग 1.5 एकड़ की जमीन में राजन्ना ने 78 टन लाल और पीले शिमला मिर्च उगाए हैं जिससे उसे 20 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी हो चुकी है। ನಾವು ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಮಂತಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಶೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ದಾನಿಂಕ ನಮಗೆ ಇದು ಶೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಶೆಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 78 ಟನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಳುವರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆದಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಕೊಯ್ಯುತ್ತೆ. 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं राजन्ना के खेतों में पैदा हुआ चमत्कार कोई अपवाद तो नहीं है, मंडी.com की टीम ने बंगलुरु के आसपास के कुछ और गांवों का जायजा लिया। महज साल भर पहले शेड नेट में खेती शुरू करने वाले शिवकोटे गांव के मंजूनाथ और गुड्डा दहल्ली के रवि कुमार की कहानियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सही तकनीक की संरक्षित खेती से खेतों और किसानों की किस्मत बदली जा सकती है। My experience, I will tell, open field, it will become income 2 or 3 lakhs per year. This will be protected cultivation, I am do 20 lakhs. 26 lakhs investment ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಸ್ಟು, 5 ಲಕ್ಷ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು 50 ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಂದರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 20 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರೂ 15 ಲ್ಯಾಕ್ಸು ರಿಟರ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟು ಬಂದು ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾವು ತೀರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಔರ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಖಾಸ್ ಬಾತ್ ಯೇ ಹೇ ಕಿ ರಾಜನ್ನ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಔರ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ये सभी 2 से 3 एकड़ के खेतों वाले छोटे किसान हैं।
इसीलिए इनकी कहानियों की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि औसत भारतीय किसान इतनी ही जमीन पर खेती करता है। यही उसका रोना है कि जमीन के इस छोटे टुकड़े से वो अपना पेट भरें या फिर परिवार के दूसरे खर्चों में लगा दें। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी कम जोत वाले किसानों के लिए उन्नत तकनीक ही समस्या का समाधान साबित हो सकती है। देश में जो किसान है वो एकदम छोटा किसान है, और छोटा किसान अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा तो किसानी नहीं कर सकता, क्योंकि एवरेज लैंड होल्डिंग इस कंट्री में पर फार्मर इज 0.78 एकर्स। अब खाली उसके पास 0.8 एकर जमीन है, और उसमें अगर टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा तो खाली गेहूं और धान लगाने से तो उसका काम नहीं होने वाला। और दूसरी, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हैं, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो चाहे ग्रीन हाउस हो, तो किसान का करीब 60-70% पैसा तो जो है गवर्नमेंट सब्सिडी में आ जाता है। हालांकि छोटे किसानों तक तकनीक पहुंचाने का काम बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन इसी मुश्किल के कारण कई युवा उद्यमियों को इसमें एक बेहतरीन कारोबारी मौका भी दिख रहा है। एग्री इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ राजीव राय बेंगलुरु के एक ऐसे ही उद्यमी हैं, जिन्होंने देश के कई हिस्सों में किसानों के साथ मिलकर कृषि तकनीक पर काम किया। करीब 35 देशों में जाकर वहां की कृषि तकनीकों का अध्ययन करने वाले राय देश में कई तकनीकों को पहली बार लेकर आए हैं, और ये पॉली हाउस तकनीक इसके कई आयाम है उनमें से एक है। करीब 5 एकड़ जमीन में नर्सरी तैयार करने वाले अरुण कुमार ऐसी ही एक तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इससे उनकी आमदनी में कई गुने का इजाफा हो जाएगा। खासियत ये सबसे पहले है कि अंडर शेड नेट आप रेन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये पहली बार है, किधर भी अंडर शेड नेट रेन हार्वेस्ट नहीं होता। और ये डिज़ाइन भी पॉलीहाउस जैसे हमने वी शेप डिज़ाइन लिए हैं ऊपर, और ये 3 लेयर तक अपने काम कर सकते हैं। एक तो टेम्परेचर डाउन करने के लिए, दूसरा अपने पानी बारिश ही आपका क्रॉप ये नहीं होना अंडर शेड नेट में, और वन मोर थिंग टेम्परेचर और रिड्यूस करना है तो तीसरा लेयर भी आप इधर यूज़ कर सकते हैं। और ये हाइट आल्सो हमने इंक्रीज किया इधर, वी आर वर्किंग ऑन द हाइट आल्सो, 4 मीटर्स हाइट में गटर्स है। ये इसका खासियत क्या होता है कि टेम्परेचर का हीट ऊपर रहता है तो नीचे का प्लांट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड द क्वालिटी ऑफ प्लांट आल्सो विल बी ग्रोइंग वेरी गुड, बहुत अच्छे से आता है। कर्नाटक के इन किसानों को खेती से संबंधित सूचनाओं और आधुनिक तकनीक के बारे में बताने के लिए राजीव रॉय जैसे लोग खूब काम कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि राजीव रॉय के उस काम के बारे में भी समझ लिया जाए। देश के ज्यादातर हिस्सों में पारंपरिक खेती से किसान प्रति एकड़ शायद 40 या 50 हजार रुपए की आमदनी करता है। कुछ खास इलाकों में हमने देखा है कि वो 3 से 4 लाख रुपए भी प्रति एकड़ कमा लेता है, लेकिन यहाँ हमने आपको कई ऐसी कहानियां दिखाई हैं जहाँ की संरक्षित खेती में नेट हाउसेज का इस्तेमाल कर किसान 10 से 12 लाख तक प्रति एकड़ की कमाई कर रहा है, और ये कमाई ऐसी है जो देश के दूसरे हिस्सों के किसान भी इसको इसी रूप में दोहरा सकते हैं, बशर्ते कि सरकार और निजी क्षेत्र इस तकनीक को अपनाने में ज़्यादा उत्साह दिखाएं।